अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम ये एक शॉर्ट सी रिंग बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इसी चैनल की यानी कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का अपना लिंक दिया हुआ है जो मेरा सेकेंड चैनल है। तो आप लोगों से सर इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे सपोर्ट किया, इस चैनल पे प्यार दिया, तो मैं चाहता हूँ उसी तरह से आप लोग मेरे उस चैनल पे भी विजिट करें और उसको भी उसी तरह सपोर्ट करें, उसी तरह लाइक करें जिस तरह आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे मुझे सपोर्ट किया। तो उस चैनल पे मैं ज्वेलरी की वीडियोज़ तो नहीं लेकिन उस पर टेक्निकल वीडियो जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, यूट्यूब थंबनेल बनाना और इससे रिलेटेड चीज़ें वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मौजूद है और मेरे उस चैनल का नाम है टेक्निकल अबूबकर हमीद। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैनल पर भी जाएं और उसको भी विजिट करें और वहाँ भी वीडियोस को वॉच करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह जो मैं अपलोड कर रहा हूँ किस तरह की लगी हैं, और इस तरह इसके मुतल्लिक आप लोगों का कोई सवाल किसी भी किस्म का हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं आज की शॉर्ट सी ये रिंग। तो इस रिंग को स्टार्ट करने के लिए हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि सबसे पहले हमने इसकी जो लेंथ है वो लेनी है, हमने इसकी चौड़ाई लेनी है 5 mm। ठीक है, 5 mm इसकी लेंथ है, ये 5 mm। ठीक है, ये 5 mm इसकी चौड़ाई है। लेंथ हम जितनी मर्जी इसकी रख सकते हैं, 20 mm रख लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ यूटिलिटी में जाके सेंटर, ये रोटेट ऐसे और यहाँ ये। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ जाके ये ग्रीन कलर देके मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और इस तस्वीर को पकड़ के मैं यहाँ ले आता हूँ सेंटर में ऐसे और इसको रोटेट कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे यहाँ ले आता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारे ऊपर रेड सर्कल है ये नज़र आता रहे, और ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D और इस पिक्चर को मैं हल्का सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारी 5 mm की चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब हमने जस्ट इसका लाइन वर्क लेना है और लाइन वर्क लेने के बाद हमें इसको स्टार्ट करना है। तो अब हम इसका पहले एक लाइन वर्क ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं पिक्चर को इस तरफ कर लेता हूँ ऐसे यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ ले आता हूँ पिक्चर को मैं, और इस पिक्चर को मैं ये कलर दे के यहाँ से सेव कर देता हूँ, सॉरी लॉक कर देता हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ जाके इसको जो स्टोन है इसकी सेट देख लेते हैं, कितना बड़ा स्टोन है हमारा, ये 4.5 mm का हमारा स्टोन है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम जेम्स में जाते हैं और जेम्स में जाने के बाद यहाँ से एक गोल्ड स्टोन लेते हैं 4.5 mm, और सेकंड विंडो में जाते हैं और ये सेकंड में 4x40 का लेते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा प्रॉपर आ गया इसके अंदर। तो इसी हवाले से हम इसको तस्वीर को थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं अनलॉक करके, यहाँ पर वो की कमान पकड़ी और इसको अनलॉक ऐसे कर ली। ठीक है, यहाँ हम ले आए और थोड़ा सा इसको पिक्चर को हमने नीचे कर दिया यहाँ ऐसे, ये हमारी पिक्चर यहाँ हो गई और ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ गई। और इसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं और ये स्टोन पकड़ के हम इसकी F6 दबा के इसको जेम प्रोफाइल और ये स्टोन फिलहाल हम हाइड कर देते हैं। और इसका प्रोफाइल लेके इसकी हम 4 रंग की ये जेम बना लेते हैं, 5 mm 0.5 इसका ऑफसाइड लेते हैं अंदर और सरफेस बनाते हैं और ये पैच कर देते हैं। ये हमने पैच कर दिया, उसके बाद इसको हम गेज दे देते हैं। इसको अब हमने थोड़ा सा गेज देना है मोटा, वो इस वजह से क्योंकि देखें ये रिंग जो है थोड़ी सॉलिड बनी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं रिंग रेल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ स्विस का, यहाँ पे 7 नंबर, क्योंकि रिंग हमने बनानी एक छोटी रिंग जो बच्चे बचकाना रिंग है बच्चे के हाथ में आएगी, तो उसका साइज़ भी हमने छोटा लेना है, बच्चा रिंग बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम प्ले कर देते हैं ऐसे, ये हमने प्ले कर दिया और ये कलर हमें दे दिया इसको। उसके बाद अब हमने इसको गेज देना है और गेज हम इसको दे देते हैं 1 mm का, 1.2 कर देते हैं, अगर बाद में कम करना पड़े तो हम कर लेंगे इसको।
इसको हम गेज देते हैं और उसके बाद यहाँ सॉलिड में जाते हैं, और सॉलिड में जाने के बाद प्रोस्पेक्टिव में, प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका गेज वगैरह कितना है, ठीक है। और यहाँ जाके इसको हमने सिलेंडर लगाते हैं, इसका 0.7 का रंग देते हैं इसको, 0.7 सॉरी 0.7, ये 0.7 का हमने रंग दे दिया इसको। और उसके बाद इसके जंग की हाइट हम कितनी रखते हैं, ठीक है। ये स्टोन खोल के आप देख सकते हैं, स्टोन को हम इधर ले आते हैं, यहाँ ऐसे ही यहाँ हमारा स्टोन आएगा। और याद रखें ये स्टोन यहाँ पे रखा जाता है, जो बेस होती है जैसे कि यहाँ से यहाँ ऊपर तक हमने इतना रखना होता है कि आराम से ये जो नगीना है ये हमारा कवर कर ले। ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना कि वो बुरा लगे और उसको कवर भी ना कर सके, ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो वो काटना ही पड़ेगा, हमें बेसिकली इतना ही जंग चाहिए होता है। हमेशा स्टोन को यहाँ रखा करें और उसके बाद देखा करें कि बेस से जंग हमारा कितना ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद इस जंग को हम कर देते हैं थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, और यहाँ ट्रांसफॉर्म F4 और ये 4 अरे बोलर, ये अरे बोलर हमने कर दिया। इसके बाद इसको यहाँ हमने बंद किया, ठीक है। और उसके बाद इन सबको हम ग्रुप किया, और इसके बाद इस स्टोन को भी हमने ग्रुप कर दिया। और थोड़ी सी इसकी जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी। उसको हम हल्का सा लाइट सा स्लाइड सा करके ऐसे बड़ा कर देते हैं, बस हमने ये बड़ा कर लिया। उसके बाद हम स्टोन को यहाँ ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कर्व मेन्यू में जाना है, और कर्व मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये जो मरोड़ी बनी हुई है हमने इसको बनाना है, इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर ब्लू लेयर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये, और थोड़ा सा लाइन वर्क यहाँ पे ले जाते हैं, देखते हैं इसका लाइन वर्क थोड़ा सा आगे से पतला है, यहाँ ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये लाइन वर्क थोड़ा सा अब हम इसका सही करते हैं, पॉइंट दे के इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ये कलर देके हम उसको ऐसे ये कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम हाइड कर देते हैं, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं जेन को हमने, और थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे इसको हम ले जाते हैं, ये पूरी प्रॉपर हमारी गोलाई शेप बन चुकी है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, ये हमारी शेप बन गई। इसके बाद हम इसका एक और लाइन रख लेते हैं, वो यहाँ से यहाँ पर शुरू करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे, ये चीज़। और उसके बाद इस थोड़ा सा जेब को हम बंद कर देते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं और यहाँ ले जाते हैं, और इसके बाद इसको मैं कंट्रोल पॉइंट दे के यहाँ ले जाता हूँ ऐसे, और इस पॉइंट को पकड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल लेता हूँ ऐसे, और इस पॉइंट को यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, इसकी शेप ठीक हो जाए, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ये हमारी शेप प्रॉपर ठीक हो गई इसकी। उसके बाद इसको हम पकड़ते हैं और इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइंट कर देते हैं। और इसको हम यहाँ से इस कर्व को फिलहाल हम हाइड कर देते हैं, और इसको हमने ज्वाइंट कर लिया, ओके हो गया हमारा ये। उसके बाद हम इसको यहाँ ले जाते हैं ऊपर, यहाँ ले आते हैं सॉरी, इसको पहले हम करते हैं सी प्लेन, सी प्लेन करना, इसको हम करते हैं सी प्लेन, और यहाँ ये हमने रेंज खोली अपनी, इसको शो करा हमने, और इसको यहाँ ले आते हैं ऐसे, यहाँ ले आया हम इसको यहाँ पर, यहाँ ले आते हैं, यहाँ रखते हैं इसको ऐसे। और उसके बाद अब हम इसको कर देते हैं बैंड, यहाँ ऐसे ये हमने बैंड कर दिए, ठीक है। ये बैंड करने के बाद देखने थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बैंड तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी खला आ रही है, उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है इसका। हम इसको यहाँ से ये कर्व खोल के सरफेस बना देते हैं, सरफेस को एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। ये बोथ साइड हमने एक्सट्रूड कर दिए, और इसको हमने ये कलर दिया, लॉक कर दिया, ओके। इसको हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर, सॉरी पुल बैक करना है, ऊपर से नीचे की तरफ हमने इसको पुल बैक करना है, ये पुल बैक कर दिया हमने इसको, और इस कर्व को हमने हाइड कर दिया। उसके बाद इसको और इस कर्व को लेके हम इसको यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास कर्व आ चुका है। उसके बाद इसको लेके हम यहाँ पर 1.2 का ऊपर की तरफ गेज ले जाते हैं, तो ये हमारा गेज ऊपर आ गया, ठीक है ऐसे। और इसको हम कलर देते हैं ये वाला,
और ये वाला कलर देने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लिट कर देते हैं। ये हम इसको ऐसे हमने ऊपर से गोल कर देना, ये हमारे यहाँ से गोल हो गया। और उसके बाद ये पिक्चर हम खोलते हैं और यहाँ की जो दूसरी डायरेक्शन है वो देखते हैं। दूसरी डायरेक्शन इसकी यहाँ से ऐसे ये चीज़ रोटेट कॉपी करनी है इसको हमने यहाँ से, और ये हमने इसको रोटेट ऐसे कॉपी यहाँ पर करनी है। उसके बाद ये रोटेट कॉपी होने के बाद इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको हम देखते हैं कितने पीसों में हमारी डिवाइड आती है। ये 4 में आती है तो 4 में ही आ जाएगी हमारी डिवाइड, कोई इतना इशू नहीं आएगा। जस्ट हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना है और यहाँ रोटेट जाके हम रोटेट करके थोड़ा सा इसको बाहर कर ले जाते हैं यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सॉरी राइनो इसको हम खोल लेते हैं ताकि यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ पर इसको हम बैक ले जाते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसको राइनो इसको हमने खोली हुई है, इसको हम करते हैं रोटेट और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम साइड व्यू में जाएंगे और थोड़ा सा इसको हम स्केल 1D कर देते हैं ऐसे, यहाँ तक ले जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको हल्का सा यहाँ से बेंड कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये हमारी बेंड हो गई। उसके बाद हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं और यहाँ से अरे बॉर्डर कर देते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया हमारा, तो हम कोई बात नहीं इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रख के थोड़ा सा 1D कम कर देते हैं ये ऐसे, ये हमारा कम हो गया। इसको यहाँ से ऐसे ये कम कर दिया हमने और इसको यहाँ से हल्का सा पकड़ के यहाँ पे बैंड कर देते हैं ये हमारा बैंड हो गया। उसके बाद इसको अब हल्का सा 1D करते हैं और देखते हैं कितनी रिएक्शन आती है ये चीज़, और इसको हल्का सा यहाँ से हम बैंड कर देते हैं ये चीज़, ये हमारा बैंड हो गया। तो अभी हमारा देखें ये स्मूथली एक जो रिंग है वो हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारी रिंग रेडी हो चुकी है जो बिल्कुल आराम से और एक सिंपल वे यूज़ करते हुए हमने ये रिंग बना ली है। कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल वे है, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई है, ठीक है। और लगता है स्टोन हमसे सॉरी डिलीट हो गया, तो स्टोन कोई बात नहीं, हम दोबारा ले आते हैं यहाँ पर और ये ले आते हैं यहाँ पर ये स्टोन और इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर ऐसे, स्टोन को हम यहाँ ऐसे ले जाते हैं और हम इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसका स्टोन का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम यहाँ 4 इस पर ले जाते हैं ये चीज़, यहाँ पर ले जाके इसको हम ऐसे ग्रुप कर देते हैं, ये हमने ग्रुप कर लिया। उसके बाद इसको और इसको हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ साइड 2 फिंगर में जाके यहाँ अरे पॉलर इसको हम 4, तो ये हमारा लग गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पिक्चर खोलनी है, पिक्चर खोल के हमने देखना है कि इसमें थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से रबो की सेटिंग भी हुई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर है ऐसे और देखते हैं कि हमने सेटिंग ऐसे ही की है कि नहीं की इसकी, जी ऐसे ही हमारी सेटिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर में हमारा एक एक रबो आ जाएगा, वो मैं बताता हूँ कहाँ आएगा, ये देखें इनके जो सेंटर में एक एक हमने रवा लगा देना, थोड़ा सा गैप देखें ना बीच में, इसके बीच में हम लगा देंगे एक एक रवा जो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ जाते हैं और ये खोल देते हैं हम इसको और इसको सॉलिड में जाते हैं सॉरी लुकिंग डाउन में जाते हैं और यहाँ सॉलिड में जाके ये हम इस पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ से इतना हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इतना हम काट लेते हैं यहाँ से F4, इसको सर्कल लेके इतना काट देते हैं स्प्लिट कर, ठीक है, ये हमने इसको इतना काट दिया। उसके बाद इसको जस्ट हम यहाँ से ऐसे इतना लंबा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम खोल भी लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसका, और इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट हम इसको यहाँ पे यहाँ अंदर लेके जाएंगे और इसको यहाँ ले जाके थोड़ा सा सेट कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐसे ये इसको हल्का सा हम रोटेट करते हैं यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे और यहाँ इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यह हमारा एक रवा ही आएगा, हम इसको रवा ही लगाते हैं थोड़ा सा बड़ा करके ना, और वो शेप ठीक नहीं आ रही हमारी, हम यहाँ रवा लगाते हैं
0.65 ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा रवा आ गया यहाँ पर। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर। यहाँ रवा लगाने के बाद अब हम इसको रवे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर करना है यहाँ से ऐसे, और इसके बाद इसको हल्का सा इसके अंदर हमें मर्ज कर देना है इस साइड पे, यहाँ हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर भी मर्ज कर देते हैं यहाँ पर ताकि दोनों तरफ से कवर हो जाए ऐसे। और तस्वीर में देख लेते हैं कि इसकी दूसरी साइड पे भी रवा लगा हुआ है या नहीं, मेरे ख्याल से हाँ दूसरी साइड पे भी इसके रवा लगा हुआ है। उसी तरह से इसको डुप्लीकेट एज पकड़ के हम इसको यहाँ लेंगे ऐसे, और इसके अंदर इसको अंदर से मर्ज कर देंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको यहाँ ऐसे, और इसको इसके अंदर हम ऐसे मर्ज कर देंगे ये चीज़, ठीक है। ये अब हमने लगा दिए रवे, और इनको अब हम ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद इसको हम अरे बॉलर कर देते हैं, ठीक है, F4 अरे बॉलर। तो ये देख, ये हमारी कितनी स्मूथली रिंग रेडी हो गई और कितनी जल्दी हमने इसको रेडी कर ली, ये कितनी आसान और कितनी ईजी हमारी ये रिंग रेडी हो चुकी है। तो इसको हम ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करके देखें मैंने इन्हें खोल लेता हूँ और यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये कितनी स्मूथली और कितनी जल्दी हमने एक स्मार्ट सी रिंग रेडी कर ली। तो इसको मैं आपको रेंडर भी करके बता देता हूँ कि हम उसको बगैर रेंडर व्यू यानी कि रेंडर स्टार्ट करे बगैर रेंडर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये रेंडर व्यू खोल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ से जितने भी ये कलर्स हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ चला जाता हूँ गोल्डन में, और यहाँ जाके मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ठीक है, और ग्रीन को पकड़ता हूँ, ग्रीन को मैं यहाँ से पीच कलर थोड़ी ये वाला कर लेते हैं, ये पीच ही कर लेते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं। और जो इसके ये रवे हैं हमारे इनको हम ब्लैक कलर दे देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इस पिक्चर मतलब ये कलर को हम यहाँ पर यहाँ बंद कर देते हैं, पिक्चर को यहाँ बंद करते हैं, यहाँ से हम एक ये निकाल लेते हैं सरफेस, ठीक है, सरफेस को हम दे देते हैं ये वाला कलर यहाँ से ग्रीन। और ग्रीन कलर देने के बाद अब हमने जस्ट कुछ भी नहीं करना, यहाँ से प्ले नहीं करना, हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं, मैंने ये क्रॉस कर दिया और मैं जस्ट यहाँ जाके रेंडर दबाता हूँ। तो ये हमने ना रेंडर व्यू स्टार्ट किया है ना रेंडर किया है, कुछ भी नहीं किया, तो ये हमारा कितना स्मूथली देखें रेंडर हो गया। तो आप इस तरह से भी रेंडर कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। तो अब इसको कलर दे देते हैं हम, रेंडर व्यू खोलते हैं, सॉरी ये हमारा थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ये रेंडर की जो विंडो दोबारा खोल ली है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कलर पकड़ के और यहाँ स्टोन्स में जाके इसको मैं एक कलर दे लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये वाला कलर, ठीक है, इसको मैं ये कलर कर लेता हूँ, अभी कलर प्ले कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कलर इसके अंदर आ चुका है, यहाँ से इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये देखिए कितना स्मूथली हमारा रेंडर ये हुआ है, ना मैंने रेंडर का प्ले किया है ना रेंडर कुछ किया, कुछ ही नहीं किया, जस्ट एक बटन दबाया सिर्फ उसका कलर देके ये जो रेंडर व्यू हमारी ये रेंडर हमारी विंडो है रेंडर शेड जिसे हम बोलते हैं, जो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद भी दूसरे आपको दूसरे एक दो तीन चौथे नंबर पर नज़र आएगी रेंडर व्यू, इस पर मैंने जस्ट क्लिक किया तो देखिए हमारा कितना स्मूथली ये रेंडर हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था कि इस तरह से हम एक ईजीली और आसान तरीके से रिंग तैयार कर सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने तैयार की है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।